हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो बेस्ट टेक के गेमिंग। तो गाइस, इस वाली वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हमने पिछले वाली वीडियो में यहाँ पे बहुत सारी लूट की थी एक विलेज में जाके, और गाइस उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत और एरिया क्लीन किया और उसे लेवल भी कर दिया। शायद से ये लीव्स हमारे पास फर्स्ट टाइम आई है, तो इनके लिए जगह अलग से देखनी पड़ेगी। यहाँ पे इनको हम अभी लगा देंगे। अभी चलते हैं गाइस हमारे फार्म की तरफ और देखते हैं कि वेट होगा या फिर नहीं। उससे गाइस पहले आप लोग इस तरफ देख सकते हो कि मैंने कितना एरिया क्लीन कर एक लेवल पे कर दिया है, और यह इसे मैंने पूरी तरह से फिल नहीं किया है। आप जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था कि यहाँ पे नीचे एरिया पूरी तरह से खाली है। तो गाइस चलते अभी सीधे सीधे यहाँ पे एक वाटर पूल है, और देखते हैं यहाँ पे कोई जॉम्बी तो नहीं है ना। तो गाइस यहाँ पे कोई नहीं है। अभी हमें सीधा जाना है इस तरफ पे, जहाँ पे हमारा फार्म अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और हमें यहाँ से खाना भी मिलना स्टार्ट हो गया। अभी पहले भी एक बार हमने यहाँ से हार्वेस्टिंग कर ली थी, और इस बार भी हम यहाँ पे हार्वेस्टिंग करने आ गए। गाइस इस बार थोड़ी ज़्यादा सीड्स मिली है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 11 सीड्स हमें मिली। और गाइस हमने उस जगह पर प्लेस कर दिया, जानो जा जान देते अभी वो टेंशन नहीं लेते। पोटैटो भी की कोई कमी नहीं होगी गाइस, हमारे पास बहुत सारा पोटैटो अभी कलेक्ट हो जाएगा। हमारे पास वैसे भी बहुत सारा पोटैटो पड़ा हुआ है हमारे चेस्ट में, जो हमें विलेज से मिला था। हर एक विलेज के विलेजर के चेस्ट में पोटैटो होता ही है गाइस, क्योंकि वो पोटैटो ज़्यादा खाते हैं और आपस में भी ट्रेड करते हैं, इसलिए उनके पास पोटैटो रहता है। हमें वहाँ से पोटैटो मिला, बहुत सारी और भी चीज़ें मिली। गाइस मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं हम मेरा गोल्ड वाला आर्मर रिपेयर कर लूँगा, लेकिन मैंने नहीं किया है गाइस अभी तक, क्योंकि मैं माइनिंग करने के लिए गया ही नहीं था। मैं 64 या फिर पोटैटो मिले, एक पोटैटो नीचे पानी में गिरा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा भी हो सकते है गाइस, पता नहीं सकते, ज़्यादा ही गाइस में मेरे ख्याल से 64 नहीं गए, 65 है, 65 नहीं 66 मेरे शायद से सेलेक्ट हुए थे। बाकी के पोटैटो अभी यहाँ पे वापस से लगे देते, और ये जो बचे हुए इन्हें अभी हम खा लेंगे। तो गाइस हम हमारे घर में चलते, वहाँ से बकेट्स लेते। तो गाइस आप लोगों ने जैसा देखा कि हमने पिछले वाली वीडियो में हमें डायमंड्स मिले थे थोड़े बहुत विलेजर के चेस्ट में से, शायद से वो क्या किसी विलेजर के चेस्ट थे, मुझे कुछ ठीक से ध्यान नहीं, लेकिन हमें मिले थे। तो उनका यूज़ करके अब हम बनाने वाले हैं। ये देखो गाइस, तीन ही गिनती के मिले मिले, लेकिन इतने में हमारा काम हो जाएगा शायद से। अगर हमें हमने बना ली यहाँ पे डायमंड वाली पिकेक्स। अगर जैसे कि हमने मल्टीक्राफ्ट में हमने देखा था कि हम ऑब्सीडियन सिर्फ डायमंड की पिकेक्स से ही तोड़ सकते, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे माइनक्राफ्ट में भी और मल्टी माइनक्राफ्ट में भी होता है। तो वैसे भी रात होने वाली है, तो थोड़ी देर वेट कर लेते, थोड़ा बाहर की तरफ देखते। अभी सनसेट होने वाला है शायद से, आप लोग देख सकते हैं कि सनसेट हो रहा है अभी। तो गाइस हम इन बकेट्स में वाटर कलेक्ट करेंगे जाते जाते, और हम जाने वाले एक जगह पे। मैंने पहले भी कई बार यूट्यूब पे देखा है कि सैंड की तरफ लावा के पूल्स होते हैं। हमने बेड कलेक्ट कर लिया है, एक बार इस वीट को इसकी जगह पे रख देते, यहाँ पे रख देंगे तो चलेगा। चलते अभी उस तरफ भी जाना है हमें, इस तरफ आगे की तरफ सैंड है, हमने देखी थी गाइस पहले भी, आप लोग अभी भी देख सकते हो। तो उस तरफ हमें सैंड दिख रही है, तो वाटर का पूल हमें दे पहले ढूंढ लेना चाहिए था गाइस, हमारे पास वाटर नहीं है। एक काम करते हम यही से सीधा इस तरफ चलते थोड़ा सा,
यहाँ पे गाइस मैंने सैपलिंग्स लगाई है, जो वाइट वुड का पेड़ होता है, कौन सा मुझे पता नहीं, उसका नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन वो सैपलिंग्स मैंने यहाँ पे लगा दिए कि वो पेड़ था जब मैं प्लेस लेवल कर रहा था तब मुझे वो वहाँ पे ऑर्डर आता, तो मैंने उसे काट के कलेक्ट कर लिया था। उसकी वुड भी चेस्ट में रखी हुई है, ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज़ करेंगे। तो इस दोनों बकेट्स में हमने पानी भर लिया है, अभी हम वहाँ जाके अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना पाएंगे। वही मल्टी क्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें इसमें भी सिमिलर होती है, इसलिए हमें थोड़ा बहुत जानकारी इस गेम के बारे में है, क्योंकि क्राफ्टिंग गेम्स ज़्यादातर सेम ही होते, तो हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे मुश्किल नहीं हो रही है। अभी चलते सीधे सीधे, हमें लावा पूल ढूंढना है और साथ के साथ ज़ॉम्बीज से भी बचना है, रात के टाइम जल्द से जल्द सोना पड़ेगा हमें। गाइज इस तरफ बहुत सारा कैक्टस है, आते टाइम हम इसे भी कलेक्ट कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पे भी वो वाटर था हमें, लेकिन हमें पता नहीं था गाइज यहाँ पे वाटर होगा, इसलिए हम इस तरफ आ गए थे। यहाँ पे इस तरह से कुछ, इससे हमें शायद से स्टिक्स मिलती है गाइज, डेजर्ट में होते हैं इस तरह के सूखे पेड़ की शायद से सैपलिंग होती है, सूखी हुई सैपलिंग पेड़ की सैंड के ऊपर उगी हुई। वैसे हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। ओ गाइस नीचे लावा है फर्स्ट बात तो, लेकिन उसका पोल नहीं दिख रहा है मुझे, पीछे की तरफ चलते हैं। हम आगे की तरफ थोड़ा बहुत ढूंढते, अगर हमें नहीं मिलता तो हम यहाँ से ट्राई करेंगे लेने का। सैंड के ऊपर भी बहुत हार्ड होता है गाइस, ग्रेवल की तरफ भी सैंड कब गिर जाए कुछ पता नहीं। तो गाइस हम यहाँ से अनलिमिटेड सैंड कलेक्ट कर सकते हैं बाद में, यहाँ पे इतना बड़ा डेजर्ट है, तो हम कभी भी हम यहाँ से बहुत सारे सैंड कलेक्ट कर सकते हैं, और वो उतना कंटेंट का भी नहीं, तो मैं बाद में भी कलेक्ट कर सकता हूँ। और गाइस हमें मिल गया यहाँ पे एक लावा पूल जिसकी हमें ज़रूरत थी। और गए हमने गाइस हमने यहाँ पे वाटर वेस्ट कर दिया, किस तरह से मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे पास में वाटर का पूल है, वहाँ पे थोड़े बहुत शुगर कैन भी दिख रहे हैं मुझे। शुगर कैन यूजली वाटर पूल्स के पास होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर सी के पास होते हैं, ओशन के पास, बड़े बड़े ओशन के किनारे पे होते हैं। इस तरह से मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो यहाँ पे पहले वाटर सोर्स को बना लेते हैं। और गाइज आप लोगों को मैं बोलना भूल गया कि मैंने जब मैं प्लेस लेवल कर रहा था तो हमने आप लोगों ने देखा ही था कि हमारी पिकेक्स टूट गई थी। सॉरी गाइज, हमने जब हम पिछले वाली वीडियो में रेड करने गए थे विलेज में, तो हमने हमारी जो शेवल थी उसे फेंक दिया था, तो मैंने यहाँ पे नई वाली शेवल बना ली है और उसका यूज़ करके अभी हम गाइस, उसका यूज़ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया था, क्योंकि लेवल करने के लिए मैंने स्टोन वाले पिकेक्स यूज किया। और गाइस हमारा लाव वाटर यहाँ पे क्यों नहीं, इस तरह से कुछ डालना चाहिए शायद से हमें। हमने इसे वापस से कलेक्ट कर लिया है, हमें एक काम करना है, यहाँ पे इस तरह से, सॉरी गाइस गलत जगह पे प्लेस कर दिया हमने, इसे यहाँ पे इस तरह से रखते हैं, यहाँ से वाटर डालते हैं, हमारी डायमंड वाली पिकेक्स लेते हैं।
हमें एक ऑब्सिडियन मिल चुका है। अभी सेकंड को भी कलेक्ट कर लेते हैं। दो ऑब्सिडियन हो चुके हैं अभी। इस तरह से हमें वाटर का फ्लो पहले से ही यहाँ पे रखना है गाइस, क्योंकि नीचे अगर और भी लावा हुआ तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार हम उसमें गिर जाते तो प्रॉब्लम हो जाती है, हम मर भी सकते हैं। तो इस तरह से वाटर डाला होगा तो वाटर उस लावा को जल्द से जल्द बुझा देगा और हमें डैमेज नहीं मिलेगा, अगर मिला भी तो थोड़ा ही मिलेगा। इस तरह से हम अभी जितने हो सके ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। हम डायमंड के पिकेक्स रिपेयर तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक हम आप लोग देख सकते हो कि गाइस नीचे की तरफ लावा था, पर जैसे बुझा दिया है यहाँ पे भी लावा होगा, आप लोग देख सकते हो। थोड़ी देर रुको, आप लोगों को दिखेगा अभी। ये देखो गाइस, उसे जल्द से जल्द बुझा दे रही। और गाइस इस बार हमें ऑब्सिडियन नहीं मिला था, तो गाइस इस बार अगर हमें ऑब्सिडियन नहीं मिलेगा तो हम गाइस इस बार डायरेक्टली दो ऑब्सिडियन मिले, शायद से वो पहला वाला नीचे पड़ा हुआ था। अगर इस बार भी हमें ऑब्सिडियन नहीं मिला तो हमारा बैड लक हो जाएगा, लेकिन मिल जाएगा शायद से। अगर मिला तो आप लोगों को सब्सक्राइब कर देना हम आपके भाई के चैनल को। तो गाइस हमें ऑब्सिडियन मिल चुका है, तो आपके भाई के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो गाइस, हमारा सब्सक्राइब रेट 0 है, डायरेक्टली नॉट सब्सक्राइब रेट 100 पे है। तो गाइस ऐसा मत करो आपके भाई के साथ, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और गाइज हम गिर गए थे सीधे यहाँ पे लावा पूल में। जहाँ से हम अभी अभी बच के आए, शायद से गाइज एक प्रॉब्लम हो गई थी, 8 क्लॉक का डिस्टेंस कंप्लीट होने के बाद इस तरह से कुछ प्रॉब्लम हुई। तो हम इस प्रॉब्लम का इस तरह से कुछ सोल्यूशन निकालते हैं अभी। तो गाइस 11 यहाँ पे कलेक्ट हो चुके हैं, बाद में हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत हम डेजर्ट को एक्सप्लोर करते हैं, इस वाटर सोर्स को यहीं पे इस तरह से रहने देते हैं। हमें रेड सैंड भी ढूंढनी पड़ेगी गाइस, रेड सैंड भी होती है इस तरह से डेजर्ट्स में। यहाँ पे हमें सैंड स्टोन तो दिख रहे, तो एक काम करते हैं हम गाइस, इस तरह से बहुत सारे कैक्टस कलेक्ट कर लेते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है हमें। सैंड तो मैं बाद में कलेक्ट करूँगा गाइस, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे की तरफ शायद से दूसरी वाली बायो में, तो हम वहाँ पे नहीं जाने वाले, अभी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और वो वायम शायद से वही वाली होगी जो हमने पहले देखी थी गाइस, यहाँ पे बाजू में एक विलेज है, हम वहीं पे गए थे पिछले वाली वीडियो में शायद से। चलते हैं यहाँ से सीधे गाइस, यहाँ पे तो बहुत सारा सैंड स्टोन है, आप लोग देख सकते हो। इसे हम मैं पूरी तरह से कलेक्ट करके ले जाने वाला हूँ बाद में, लेकिन अभी हमें उतना टाइम नहीं है। मैं घर जाके बहुत सारे काम और भी करने, और थोड़ा बहुत प्लेस लेवल करेंगे गाइस। यहाँ पे हमें दिख रहा है एक विलेज, शायद से गाइस ये वही वाला विलेज है जो हमने पहले देखा था। हाँ गाइस ये वही वाला विलेज है, इसे हम पहले भी देख चुके हैं। चलते हैं अभी सीधे वहाँ पे, आगे की तरफ भी बहुत सारे कैक्टस है तो उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। और रात भी होने वाली है, तो सबसे पहले तो हमारे बेड को हमारी फर्स्ट इन्वेंट्री में यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और गाइस वाटर के पूल्स से हमें बचना है, क्योंकि मॉन्स्टर्स होंगे अभी रात का टाइम है। सनसेट तो हो रहा है अभी, थोड़ा टाइम लगेगा शायद से, हमें जल्द से जल्द सो जाना है ताकि हमें मॉन्स्टर्स परेशान ना करे। रूम के स्पॉन होने से पहले अगर हम सो गए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार और ट्राई करते हैं। और गाइस इस बार हम सोने में कामयाब हो चुके हैं। और गाइस यहाँ पे सुबह भी हो चुकी है, मॉन्स्टर्स आसपास दिख तो नहीं रहे कोई।
चलते हैं यहाँ पे आगे की तरफ। कितने कैक्टस हमने कलेक्ट किए गए थे, अभी तक 13 हो चुके। थोड़े बहुत और कर लेते, बाद में हम इससे बोन मिल फार्म बना लेंगे कैक्टस का यूज़ करके। तो वैसे तो हम किसी भी चीज़ का यूज़ करके उसे बना सकते, लेकिन कैक्टस का हमें वैसे भी कोई यूज़ नहीं होता दूसरा। बाकी चीज़ों का हम दूसरे कामों के लिए यूज़ कर सकते। तो ये गाइस यहाँ पे हमें दिख रही एक माइन, और जैसे हमने कैक्टस को तोड़ा वैसे हम जाके गिर गए थे माइन में। तो गाइस ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए यहाँ से अभी सीधे चलते, क्योंकि हम जहाँ पे रहते वो जगह यहाँ से पास है। हमें सिर्फ इस बड़े वाले पहाड़ को और उसके ऊपर जो पेड़ है उसे फॉलो करना है। वहाँ जाते इस तरफ दो गाइस, यहाँ पे एक माइन है। नहीं गाइस, ये माइन हमने देखी हुई थी जब हम माइनिंग करने गए थे। कोई माइन नहीं गाइस, सीधा सा छोटा सा गड्ढा है जो कि यहाँ से इसका एक तो मुँह है और इसका सेकेंड मुँह इस तरफ से। यहाँ से गए तो उस साइड से निकल जाते बाहर की तरफ। जब हम चलते सीधे 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 हम पहुँच जाएंगे। तो गाइस हमें वाइट वुड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके वो वुड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो हम यहाँ से और भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस हमें बाद में जब अगर हमने सीप फार्म बनाया तो हमें वुल तो मिल ही जाएगा, और उस वुल को कलर करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स पहले से ही है। हमारा घर ही ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स है, वो भी मैं नेचुरली पहले से ही। तो गाइस यहाँ पे कोई वाटर वाला मॉन्स्टर तो नहीं दिख रहा है। गाइस यही इसे इस तरह से नहीं रखने वाले हम, बाद में इसे ऊपर ऊपर से डेकोरेट करके इस तरह से कुछ यहाँ पे फ्लो में सेट कर देंगे, कुछ इस तरह से रास्ता टाइप। अभी रहने देते हैं, क्योंकि हमें इस एरिया को शायद से उस पहाड़ तक एक्सप्लोर करना है, और उस पहाड़ को भी हमें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना है। इस पहाड़ को तो डिस्ट्रॉय करना मैंने स्टार्ट कर ही दिया है, आप लोग देख सकते हो। इसे भी मैं लेवल कर रहा हूँ, इसकी उस तरफ मैंने बहुत सारे डिस्ट्रक्शन करके रखा हुआ है। तो गाइस इसे डिस्ट्रक्शन करने में बहुत टाइम लगता है, तो हम जल्दी क्रीपर फार्म बनाएंगे। हमारे पास आप लोगों ने देखा कि सैंड की तो कोई कमी नहीं, यहाँ पे भी सैंड का बायो में। फ्रंट साइड पे भी अगर हम यहाँ पे रिवर क्रॉस करें तो सैंड वाला बायो में। तो गाइस आप लोगों को दिखाई देता हूँ मैं यहाँ पे सैंड वाला बायो में आगे की तरफ। तो गाइस सैंड की तो कोई कमी नहीं, मैं सैंड कभी भी कलेक्ट करके ला सकता हूँ। और अगर हम क्रीपर फार्म बना लेते तो हम अनलिमिटेड TNT बना लेंगे, और उस TNT का यूज़ करके हम यहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और प्लेस को लेवल करने में हमें उससे ज़्यादा जल्द से जल्द हम प्लेस को लेवल कर पाएंगे, और हमें मदद भी मिलेगी। तो गाइस यहाँ पे आ ही गए तो एक आधा वाइट वाला पेड़ देख लेते हैं अभी, वाइट वुड का पेड़। तो गाइस हमें दिख तो नहीं रहा है, तो गाइस आप लोग आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं बोल बोल के थक गया हूँ, अगर आप लोग नहीं चाहते तो ना करें सही, लेकिन मेरा बोलने का काम है। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई के आपके भाई के चैनल को। मेरा भाई का तो कोई चैनल ही नहीं है, क्योंकि चैनल तो मेरा है। और गाइस एक लास्ट व्यू हमारे कास्टल नहीं गाइस, एक सादा टेंट है सिंपल। तो गाइस यहाँ से एक व्यू लेते और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते, और जाते जाते एक और बार गाइस प्लीज़ आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। तो गाइस कैसा लगा मेरा मजाक, अभी हम वीडियो स्टॉप नहीं कर रहे, अभी हमें नेदर पोर्टल बना लेना है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऑब्सिडियन कलेक्ट किए हैं। तो गाइस उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी फ्लिंट की, और फ्लिंट के लिए थोड़ा बहुत आयरन चाहिए होगा। आयरन तो हमारे पास पड़ा है गाइस, साथ के साथ हमें यहाँ पे ग्रेवल को रखना पड़ेगा। और हमें यहाँ से थोड़ा बहुत क्या होता है गाइस, उसे क्या बोलते हैं, हम फ्लिंट भी मिल चुका है, और अभी इसे रखते हैं। और एक इस तरह से कुछ हमने एक फ्लिंट यहाँ पे बना लिया है, फ्लिंट एंड स्टील सॉरी गाइस। इस वाले चेस्ट में यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने जो चीज़ें कलेक्ट करके लाई है उन्हें भी रखते हैं।
और गाइज आप लोगों को जैसे बोला था यहाँ पे पहले से मैंने थोड़ी बहुत वुड कलेक्ट करके रखी थी। ऑब्सिडियंस की तो हमें ज़रूरत है, सैंड थोड़ी बहुत कलेक्ट हो गई होगी शायद से, तो उन्हें रखते हैं। और गाइज हमारे पास बहुत सारे डर्ट पड़ी हुई है, उसे भी रख देते हैं। अभी चलते बाहर की तरफ। अभी हम हमारा नेदर पोर्टल इसी जगह पे बनाने वाले गाइज, जहाँ से हमें उसे हटाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसी जगह कौन सी होगी गाइज, सोचो सोचो गाइज सोचो। इसी जगह एक ही गाइज, वो है हमारे कास्टल का बेस, यानी हमारे छोटे से टेंट का बेस नीचे जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे हम बनाने वाले। क्योंकि हम कई बार नेदर से जब आते हैं गाइज तब रात हुई वो रात होती है, और हम रात में बाहर की तरफ आएंगे तो बहुत सारे जोम्बीज, और पहले से हमें नेदर में डैमेज पड़ा होता है तो उस डैमेज में डैमेज ज़्यादा हो जाता है। अभी हम यहाँ पे ऑब्सिडियंस लेते हैं, इस तरह से कुछ दो प्लेस करने हैं, फिर इस तरह से एक हमने गलत प्लेस कर दिया है गाइस, उसे यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा। क्या हो रहा है गाइस हमारे पास, जल्द से जल्द इसे यहाँ से कट कर दे। इस तरह से हमें यहाँ पे इन्हें लगाना है, वो बाद में हमें लेना है फ्लिंट एंड स्टील। और गाइस यहाँ पे हमने नेदर पोर्टल एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन अभी हम नेदर में नहीं जाने वाले क्योंकि हम उसके लिए अभी प्रिपेयर नहीं हुए। हमें बहुत सारे सामान कलेक्ट करना पड़ेगा, हमारा डायमंड वाला आर्मर मुझे रिपेयर कर लेना पड़ेगा। तो गाइस मैं माइनिंग के लिए जाने वाला हूँ, यहाँ पे हमारे पास 31 टॉर्चेस है। अभी हमारे पास कोल तो नहीं पड़ा हुआ है, शायद से हमारे फर्नेस में होगा, तो उस कोल का यूज़ करके मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ इस कोल का यूज़ करके थोड़ी टॉर्चेस और बना लूँगा, और माइनिंग के लिए जाने ही वाला हूँ तो वहाँ से भी कोल करके कोल कलेक्ट करके लाऊँगा। तो चलो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग और वीडियो, और लास्ट बार एक इस नेदर पोर्टल के नाम पे आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वाचिंग और वीडियो गाइस।